500 साल तो ज्यादा पुरानी कंध है जी, जिड़ी कि गुरु नानक पातशाह जी के विवाह की इतिहास तुम सारा पढ़ सकते हो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, स्वागत करते एक नवे ब्लॉग नवी वीडियो में। अज आप जेडे कि दर्शन दीदार करना है जी बटाला शहर की धरती धन श्री गुरु नानक पातशाह जी का, जेड़ा कि स्थान कंध साहब गुरद्वारा साहब जी के दर्शन दीदार किए हैं। तो हूँ आप भी दर्शन दीदार करावे। बहुत पुरातन इतिहास है जी, जी कंध वा जी कि गुरु पातशाह के विह कार्य समय जी कि आनंद कार समय उस समय हैगी सो कंध है ना, किमें एक माता ने गुरु पातशाह कहा भी कंध तो सैड तो हो जाओ पासे हो जाओ है ना, भी कंध टुटन वाली, तो किमें गुरु पातशाह ने वार दिता उस कंध में। तो अभी भी वो कंध उवें दुवें कायम आ, उवें दुवें बरकरार खड़ी आ। भी एक कह सकते भी गुरु पातशाह की कृपा वा ना, कला वरती है गुरु पातशाह की है ना। तो आप उनके दर्शन दीदार करावे, दरबार साहब के भी दर्शन दीदार करावे, गुरुद्वारा साहब का व्यू पॉइंट दिखावे, नाल संखेप इतिहास की जानकारी दिखावे। तो एक गल होर कहना चाहना, कि शहर तो तुम साड़ी वीडियो देखते होंगे जरूर दस दिया करो, क्योंकि संगत कितों कितों जुड़ रही सूँ भी पता लगना जरूरी है जी है ना। तो बाकी वीडियो शेयर करने ना हो जाए भी दूजी संगत जी कि इतने दर्शन दीदार करने वास्ते नहीं संभव बनता या फिर नहीं पहुँच सकते ना किसी भी कारण वशो है ना, तो वो फिर जेडे कि वीडियो देख के उन्होंने मनोकामना गुरु पातशाह की कृपा उन्होंने कर देंगे है ना। तो अपना फर्ज हूँ कि आप सही रीयल जानकारी दिखाईए, रीयल जोड़ा इतिहास आ सिख हिस्टरी का अपना ना उन्होंने अगे लैके आईए, तो वधिया ढंग दे नाल ना कि कोई ऐसे फालतू तरीके या बेकार तरीके ना आप वधिया ढंग दे नाल पेश करने की कोशिश करते। तो आप हरिमंदर साहब है ना दरबार साहब तो सीधा आप इतने आ गए से बटाले शहर में, तो हूँ आप अंदर चले हैं, बैक साइड खड़े सी। तो आप हूँ तुम अंदर के दर्शन दीदार करने, तो लंगर प्रसाद आप छक लेता, उस तो बाद आप सीधी करेंगे वापसी गुरुद्वारा साहब। तो होर भी हैं पर वो फिर हूँ समा करना पैंदा जी, समा साढ़े को हूँ है नहीं, समय की थोड़ा होने करके तुहाडे तो माफ़ी मंगना चाहते तय दिल तो। कई वे इतिहास दर्द भी भुल हो जाती, उस लिए भी आप जे कि तय दिल तो माफ़ी मंगा। तो वीडियो में बदलो शेयर करता करो, चैनल नवे जुड़े चैनल में जरूर सबसक्राइब करता करो। चलो आओ हूँ तुम अंदर के आप दर्शन दीदार करा लो जी, सामने दर्शन कर सकते हो गुरुद्वारा कंध साहब जी के। हूँ आप उपर तक दिखाने जी, इधर पासे लग्या जी इतिहास का संकेत बोर्ड, यह बोर्ड का स्क्रीनशॉट लैके पढ़ सकते हो। गुरुद्वारा श्री कंध साहब बटाला, यह वह पवित्र स्थान है जिथे जगत गुरु पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी भादो सुदी सत्तवी संवत 1544 मुताबक सन 1487 ईस्वी में बाबा मूल चंद पटवारी दे माता चंदो राणी की सपुत्री बेबी सुलखनी जी दे नाल विआह दा इतिहास तुसीं सारा पढ़ सकते हो। इहनूं पोज करके स्क्रीनशॉट लै लेना जरूर, प्रेम भाव दे नाल इतिहास नूं पढ़ो किदां कंध साहिब दा इतिहास हैगा जी। इधर पासे जिन्नियां भी तस्वीरां लगियां फिर तुसीं देख सकदे हो, संगतां वल्लों जिहड़ा कि पाठ किया जा रहा है वा ना गुरु पातशाह का। हूँ आप दर्शन करा जा रहे हैं जी कंध साहब जी के, जी कि धन श्री गुरु नानक पातशाह जी के समय की है जी, 500 साल तो ज़्यादा पुरानी कंध है जी, जी कि गुरु नानक पातशाह जी के विह की गवाही भरती है। सामने दर्शन दीदार कर सकते हो जी, तो यह उ कंध है जी जी गुरु नानक पातशाह जी के समय की कंध है जी। इधर बोर्ड लगे जी बंदी सिंह का, आ गया निशान साहब। फ्रंट साइड है जी, दर्शन दीदार कर सकते हो। एक बोर्ड अंदर के पास भी लगे बटाला शहर के इतिहासक गुरुद्वारा साहब जी, गुरुद्वारा डेरा साहब, अभी तुम स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ सकते हो। आ सामने आ गया गुरुद्वारा कंध साहब गुरु नानक पातशाह का। एक स्थान होर भी दसा जाता है, पर साढ़े को समा की घाट होने के कारण जिंदे पता है तो माफी मंग रहे हैं है ना, इस करके आप उ जा नहीं सके। तो वो गुरु पातशाह का सोरा परिवार का मतलब की हैगा सी है ना, तो उत्थे ना इतिहास से संबंधित सी, पर आपां बद किस्मती आपां जान सके गुरुद्वारा कंध साहिब अज भी उस कंध जिहड़ी कि बरकरार उवें दी खड़ी है जी। सामने कंध साहिब शीशे विच तुसीं देख सकदे हो, जूम करके दिखा रहा हां तुहानूं। हाँ सामने देख सकदे हो, मिलांगे तुहानूं जल्द नवीं वीडियो विच नवें ब्लॉग विच। ਕੋਈ ਆਪ ਲਾਗਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।